बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस राबिया ताहिर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन DPS ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। एक्सरसाइज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। Dear students, before we go on exercise 4.3, let's have a look on previous knowledge. Dear students, you have read about concept of radical and radicand. So, हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। अगर कोई भी number power की form में हो, exponent की form में हो और वो किसी number के equal हो, for example, if x raised to power n is equals to a, अगर यहाँ पे हम x की जो पावर है n उसे हम एक पे ले जाना चाहें तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल्स टू a रेस्ट पर 1/n, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर हम x से पावर जो n है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, 1/n से दोनों तरफ पावर ली और n इंटू 1/n कैंसिल आउट हो गया और x इज़ इक्वल्स टू a रेस्ट पर 1/n। अब अगर हम इसे रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम यूँ इसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू जो a के ऊपर पावर है 1/n, जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम लिखते हैं रूट्स के बाहर और फिर साइन आ जाएगा और फिर हम लिख देंगे वो नंबर। तो हम इसे रेडिकल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं और इसको पढ़ेंगे ऐसे कि x इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a। हेयर x इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। इन द रेडिकल nth रूट ऑफ a द सिंबल रूट, इस सिंबल को हम अंडर रूट पढ़ लेते हैं, रूट और स्क्वायर रूट भी पढ़ लेते हैं, तो ये रूट का जो सिंबल है इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। हम इस साइन को रेडिकल साइन बोलेंगे। एंड n इज द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हमारे पास जो n है इसके बारे में ये कंडीशन बताई गई है कि ये पॉजिटिव होगा और इसने क्या होना है, हमेशा 1 से ग्रेटर होना चाहिए। एंड इट इज़ कॉल्ड इंडेक्स और ऑर्डर ऑफ द रेडिकल। और हम ये जो n है इसे क्या कहेंगे, ऑर्डर या इंडेक्स कहेंगे रेडिकल का। एंड a इज़ द रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंड और बेस। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ 5। 3 को क्योंकि हम क्यूब पढ़ते हैं इसलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 5। यहाँ पे जो हमारे पास 3 है वो है इंडेक्स और ऑर्डर हम कह सकते हैं रेडिकल का। और ये जो साइन है हमारे पास इसे हम कहेंगे रेडिकल और जो 5 है इसे हम पढ़ेंगे रेडिकेन। तो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेन, तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्ड। रेडिकल और रेडिकेंड ही सर्ड कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि रेडिकल और रेडिकेंड में कुछ कंडीशंस उन्होंने बताई हैं। द डेफिनेशन ऑफ द सर्ड इज़ एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज़ कॉल्ड अ सर्ड। यहाँ पे रेडिकल पे ये कंडीशन है कि इस ये हमेशा इरेशनल होगा और जो रेडिकेंड है वो रैशनल होना चाहिए। Hence, the radical nth root of a is a surd if, यहाँ पे अगेन हमें conditions दे रहे हैं कि जो ये radical nth root of a है ये surd कब होगा, अगर a is rational। आपको पता है a जो है वो क्या है, radicand और base of radical। So a को हमेशा rational होना चाहिए। और secondly, the result of nth root of a is irrational। और इसका overall radical का result है nth root of a, जो इसका रिजल्ट है ये इरेशनल होना चाहिए। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 है और क्यूब रूट ऑफ 7 है। आप स्टूडेंट्स देख सकते हो जो 3 है वो क्या है, रेडिकेंड है, और रेडिकेंड क्या होना चाहिए हमारे पास, रैशनल। 3 जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है। और आप देखोगे अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो कैलकुलेटर से या फिर आप स्क्वायर रूट मेथड को यूज़ करते हुए इसका आंसर आएंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का जो ओवरऑल आंसर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 7 का जो 7 है वो क्या है, रेडिकेंट है और रैशनल है। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल।
यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका देखते हैं, वो ये है कि एवरी थर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ थर्ड। यहाँ पे बताया गया है कि जो थर्ड है वो लाजमी है कि उसने इरेशनल होना है। हमने उसकी कंडीशंस में पढ़ा है कि उस nth रूट ऑफ a, इसका जो रिजल्ट होता है वो इरेशनल होना चाहिए, तभी हम उसे थर्ड कहेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता चली कि एवरी थर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ थर्ड। लेकिन हर इरेशनल नंबर थर्ड नहीं होगा, उसके लिए हम देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल कि हमने ये एग्जाम्पल की द थर्ड क्यूब रूट ऑफ 7 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमने देखा कि जब इस क्यूब रूट ऑफ 7 का आंसर आया तो वो इरेशनल आता है, और 7 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। बट द इरेशनल नंबर स्क्वेयर रूट ऑफ 5 इज़ नॉट अ थर्ड। अब यहाँ पे अगर हम इसका आंसर लेते हैं वो इरेशनल आ जाएगा, लेकिन हमारे पास ये थर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे पास रेडिकेंट या बेस है यहाँ पे वो रैशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन थर्ड्स। ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम थर्ड्स में कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ थर्ड्स। सिमिलर थर्ड्स, थर्ड्स हैविंग सेम इरेशनल फैक्टर्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड इनटू अ सिंगल टर्म। कि अगर हमारे पास सिमिलर थर्ड्स हों, मतलब अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, जी अगर सिमिलर थर्ड्स होंगे हम उसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करके किसी एक सिंगल टर्म में ला सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ थर्ड्स। वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड थर्ड्स द सेम ऑर्डर बाय मेकिंग यूज ऑफ फॉलोइंग लॉज ऑफ अ थर्ड्स। यहाँ पे थर्ड्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं, वो है nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ ए बी। यहाँ पे दोनों का ऑर्डर जो है वो n है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए बी। इसी तरह डिवीजन में भी अगर nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b है तो हम इसे क्या करेंगे, सिंगल रूट में लिख देंगे nth रूट ऑफ a ओवर b, एंड द रिजल्ट ऑब्टेन विल बी अ थर्ड ऑफ सेम ऑर्डर। उन्होंने कहा है कि जो दो थर्ड्स हैं उनके ऑर्डर हैं वो सेम हैं, तो हम उसे सिंगल रूट में कर लिख सकते हैं डिवीजन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। इन टॉपिक्स को हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि है सिंपलीफाई अंडर रूट 18 ओवर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, स्टूडेंट्स आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 है, मतलब ये अपनी सिंपलीफाई फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 18, ये सिंपलीफाई फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या इसके फैक्टर्स लेंगे। तो यहाँ पे हम आप देखें कि 2 9 ज़ार 18 और 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, 3 टू 3 इंटू 2 अंडर रूट के साथ 18 को जो ब्रेक किया है वो उसके फैक्टर्स बनाए हैं वो 3 इंटू 3 इंटू 2 है। हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 वैसे ही लिखा रहने देंगे, इसको लिख देंगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। तो अब यहाँ पे हमें इसको यूँ लिखने का जो फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, फिफ्थ रूट ऑफ 243 एक्स रेज टू पावर 5 वाई रेज टू पावर 10 एंड जी रेज टू पावर 15। यहाँ पे भी हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, 243 को फैक्टर्स में लिखना है। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं जब 243 की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास फैक्टर्स आए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब है हम इसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5, क्योंकि 3 5 टाइम्स हमारे पास आया है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 243 की जगह पे 3 रेज टू पावर 5 लिख दिया, x रेज टू पावर 5 लिख दिया, और यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे y रेज टू पावर 10 को मैंने यूँ लिखा है कि y² रेज टू पावर 5, 5 2 10 होगा। अब यहाँ पे हमने इसको एक स्पेशल पावर में ब्रेक इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पास
ये इंडेक्स या ऑर्डर होगा, हम ट्राई करेंगे कि जो अंदर हमारे पास जो भी पावर है उसको हम इंडेक्स के इक्वल ले आए। तो यहाँ पे टेंथ वाई स्क्वेयर रेज टू पावर फाइव आ जाएगा। इसी तरह जी 15 था, 3 5 15 होते हैं, मैंने क्या कर दिया इसको पावर को ब्रेक किया है जी क्यूब रेज टू पावर फाइव के। रेडिकल का साइन जो है हम वो अलग अलग लिख देंगे सब पे। तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 3 रेज टू पावर 5, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, फिफ्थ रूट ऑफ वाई स्क्वेयर रेज टू पावर 5, फिफ्थ रूट ऑफ जी क्यूब रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे क्या होगा कि फिफ्थ रूट पावर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हो गया एक्स वाई जी, सब में जो फिफ्थ रूट है जो पावर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3xy² और जी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, वो है अंडर रूट 21 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 3। हम सॉल्यूशन में लिखेंगे इसे और फिर क्या करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि जो अंडर रूट 7 और अंडर रूट 3 है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, सर्ड्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो हमने अभी पढ़ा जब सर्ड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उन्हें सिंगल रेडिकल में लिख देंगे। तो हम इसको इकट्ठा लिख देते हैं अंडर रूट 7 इंटू 3। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 7 इंटू 3 बन जाएगा 21, अंडर रूट 21 इंटू अंडर रूट 21 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे अंडर रूट 21 इंटू 21। ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिमिलर टर्म्स लेके आनी है, मतलब सिमिलर सर्ड्स लेके आना है, उसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, 4 अंडर रूट 12 प्लस 5 अंडर रूट 27 माइनस 3 अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 300। यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने स्टूडेंट्स ये करना है, जैसे 12 जो है वो क्या बनता है, 4 3 12, 9 3 27 होते हैं, 25 3 75 और 100 3 300 और आएगा। हम लिखेंगे अंडर रूट 12 की जगह पे लिखेंगे 4 इंटू 3 प्लस 5 ऐसे लिख देंगे, 27 की जगह पे लिखेंगे 9 इंटू 3 माइनस 3 लिखने के बाद लिखेंगे 75 की जगह पे लिखेंगे रूट 25 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 300 की जगह पे लिखेंगे 100 इंटू 3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि जैसे 4 हमारे पास अंडर रूट 4 इंटू 3 है, इन दोनों में से हम 4 को पावर की फॉर्म में लिख सकते थे, 4 अंडर रूट 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर लिख दिया इंटू 3। इस तरह नेक्स्ट जो था अंडर रूट में 9 इंटू 3 था, हमने क्या किया 3 का स्क्वायर लिख दिया 9 की जगह पे। इसी तरह नेक्स्ट 25 की जगह पे हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे और 100 की जगह पे हम 10 का स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके रेडिकल के साइन को सब पे अलग अलग लिख देना है, मतलब 4 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3। इसी तरह हमने सारा ये लिख दिया। अब नेक्स्ट ये है कि जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 अंडर रूट 3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 यहाँ पे यूँ ही आएगा और स्क्वायर रूट 5 की पावर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 3 और इसी तरह 10 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 10 अंडर रूट 3। अब यहाँ पे 4 इंटू 2 आ जाएगा 8 अंडर रूट 3, 5 इंटू 3 आ जाएगा 15 अंडर रूट 3 माइनस 3 इंटू 5 15 अंडर रूट 3 प्लस 10 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अंडर रूट 3 जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, हम क्या करेंगे इसको कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 15 माइनस 15 प्लस 10। अब हम इसे ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं प्लस 15 और माइनस 15 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 प्लस 10 18 आ जाएगा। हम लिख देंगे 18 अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अंडर रूट 3 जो क्या कॉमन आ रहा है,
तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट थ्री यूँ ही लिखेंगे, और टू अंडर रूट थ्री प्लस थ्री अंडर रूट थ्री में अंडर रूट थ्री कॉमन आ रहा था, हमने इसको कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा टू प्लस थ्री। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री ये स्क्वायर बन जाएगा और टू प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फाइव के। यहाँ पे क्या होगा कि जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा थ्री इंटू फाइव, और थ्री इंटू फाइव क्या होता है फिफ्टीन, सो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट वन है, थ्री प्लस अंडर रूट थ्री इंटू थ्री माइनस अंडर रूट थ्री। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, अलजेब्रिक फार्मूलाज को यूज़ करेंगे जो हमने पढ़े हुए हैं और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि जब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो वो किसके इक्वल आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, थ्री प्लस अंडर रूट थ्री इंटू थ्री माइनस अंडर रूट थ्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए जो है हमारे पास थ्री और बी की जगह पे हमारे पास अंडर रूट थ्री है, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या करेंगे कि ए थ्री का स्क्वायर लेंगे और माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर लेंगे। थ्री का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा नाइन, स्क्वायर है वो अंडर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, वो आ जाएगा थ्री। नाइन माइनस थ्री हमारे पास सिंपली आ जाएगा सिक्स। क्वेश्चन नंबर फोर का जो सेकंड पार्ट अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, और स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमारे पास फार्मूला था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ए की जगह पे अंडर रूट फाइव और बी की जगह पे अंडर रूट थ्री। तो इसका क्या मतलब है कि अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट थ्री का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट फाइव का स्क्वायर प्लस टू फॉर्मूले का। ए बी हम लिखते हैं तो हमारे पास अंडर रूट फाइव आ जाएगा यहाँ पे इंटू अंडर रूट थ्री आ जाएगा, और फिर प्लस बी का स्क्वायर आता है और हमारे पास बी क्या है अंडर रूट थ्री, तो हम लिख देंगे अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ फाइव आ जाएगा प्लस टू वैसे आएगा। स्क्वायर्स की मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ी है, जब हम इसको सिंगल रेडिकल साइन में लिखेंगे तो फाइव इंटू थ्री क्या हो जाएगा फिफ्टीन, हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट फिफ्टीन आ जाएगा। प्लस इसी तरह स्क्वायर रूट जो है वह स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा थ्री। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि फाइव और जो थ्री है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, वो आ जाएगा एट, और प्लस टू अंडर रूट फिफ्टीन यूँ ही लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट है फोर, अंडर रूट टू प्लस वन ओवर अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने यूज़ किया था पहले भी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन में भी क्या है, अंडर रूट टू प्लस वन ओवर अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट टू माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री, मीन्स हमारे पास ए की जगह पे अंडर रूट टू है और बी की जगह पे हमें वैल्यू दी गई है वन ओवर अंडर रूट थ्री। तो हम भी क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसे लिख देंगे अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस वन ओवर अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। यहाँ जब अंडर रूट टू का स्क्वायर लेंगे हम तो क्या होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास टू आ जाएगा, और इसी तरह वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा, और अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री। नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेंगे, स्टूडेंट्स आपको पता है कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं, सिंपल थ्री आ जाएगा, थ्री टू ज़र सिक्स और माइनस वन आ जाएगा, सिक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू फाइव ओवर थ्री, और फाइव ओवर थ्री हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर इसका जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी हम फार्मूला को यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। फिफ्थ पार्ट है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इसके सॉल्यूशन में भी हम फार्मूला को यूज़ करेंगे,
और वो ये फॉर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं दो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई और अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। तो मतलब यहाँ पे एक ही जगह पे हमारे पास अंडर रूट एक्स है और वाई बी की जगह पे अंडर रूट वाई और ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है। हम क्या करेंगे इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ले लेंगे और माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर ले लेंगे इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ लिख देंगे। यह हमारे पास एक्स जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एक्स का भी और वाई का भी, तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को एक साथ लिख लेंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। हमने इसको इसलिए साथ लिखा कि आप देखिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और इसकी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यूँ ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप गौर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे भी हम अगेन ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लेके आएंगे। तो हमारे पास जो ए की जगह पे वैल्यू है एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे वाई स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे और माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे वो आ जाएगा एक्स रेज टू पावर फोर, इसी तरह माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास आंसर आएगा एक्स रेज टू पावर फोर माइनस वाई रेज टू पावर फोर। स्टूडेंट्स अगर आपने ये लेसन गौर से सुना है और समझा है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की आपको असाइनमेंट दी जा रही है, तो वो है एक्सरसाइज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट एंड फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। थैंक्स फॉर लिसनिंग। Stay home, stay safe. Allah Hafiz.